भक्ति से भगवान तक, तो ये बुक पढ़ने से किसी को भी सारा ज्ञान आ जाएगा। बेसिकली वो तो क्या है, हम सबको भगवान के साथ है, बिकॉज गॉड यानी भगवान सबके मन में होता है, दिल में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आत्मा होती है इसमें परमात्मा से निकली हुई है, तो उनको सबको चाह है, बट दे डोंट नो व्हाट इज द राइट प्रोसीजर, व्हाट इज द राइट वे ऑफ वर्शिप। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे शास्त्र प्रमाण होते हैं, लाइक फोर कास्ट मुस्लिम सिख एंड ईसाई, सब उनके धर्मशास्त्र में धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल हम व्रत करते हैं माँ दुर्गा, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 में मना कर रहा हूँ आपको पढ़ने से क्या मिलेगा, जैसे कोई भी इसका एग्जाम्पल दे रखा है उसको पढ़ने से आपको लगेगा जो अपने घर में शास्त्र रखते हैं सब मिला सकते हैं कि ये इसके सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसका कहाँ मत मानना। तो इसको बेसिकली अगर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है आजकल के लिए, तो ये सब कुछ है राइट, लाइक अ जिस्ट, जैसे थोड़ा सा कंपाइल किया है उसका जिस्ट दे दिया है, दोनों बुक्स पढ़ लिया तो हमें सारे नॉलेज आ गया हिंदू धर्म के बारे में, सारे धर्म के बारे में, सारे धर्मों के बारे में। दैट्स ब्यूटीफुल। एंड इसमें क्या है, जैसे हम गीता है मान लीजिए कि हिंदू है वो गीता नहीं पढ़ सकता, तो मैंने छोटी सी किताब पूरी गीता पढ़ी है और इसको सब कुछ भी है वैसे रखा है कि वो आपको जो सुपर मैसेज दे रखा है, तो मैं आपको पूरी गीता पढ़ने की बजाय आपको पढ़ सकते हैं इसमें श्लोक लिखे गए, तो एक आप गीता बता के मैच कर सकते हैं राइट और रॉन्ग आपको नॉलेज,
जब आप नाम दे देते ना तो यू कैन से दे देते हैं प्रोटेक्शन लेयर ऑन यू राइट. आपको मतलब ना अनहोनी होना वो कभी नहीं होता गया. So we were like, say it's just a muscle spasm, but even I was not able to walk, I was not able to sleep, but nothing I can't do. I was just lying on the back. So, my doctor said, I'm going to go to the hospital. वो मेरा संग हो गया यानी कि ऐसे नियम ब्रेक करते हैं जैसे हम फुटबॉल का मैच देखते हैं उससे अगर कोई प्लेयर कोई रूल को ब्रेक करता है तो उसको आउट कर दिया जा रहा है. अच्छा तो यहाँ पे आपको क्या नहीं लेना था नाम? नहीं नाम मैंने ले रखा था रूल ब्रेक कर दिया था. लाइक उसमें ये था कि जैसे ड्रिंक नहीं करता वो मेरे को किसी ने शायद तो ये बेसिकली जैसे कि हमने आज से सोचा कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी तो मैंने कुछ डिश नहीं लिया या मुझे सतपाल जी के पास जाके ये नहीं एक्चुअली डिसीजन तो कोई भी ले सकता है बट ये हमारे शास्त्र प्रमाण गुरु बनाना जरूरी है मतलब एक टीचर होना जरूरी है. एक गुरु होना चाहिए तो हाउ टू अप्रोच गुरु भी बहुत सारे होते हैं. इसमें आपको बात में आता सबसे मैं आपको मेरा बता रहा हूँ एक्सीडेंट हुआ था फिर उसके बाद मैंने नाम सुनवाया था उसके बाद से जब मैंने नेक्स्ट डॉक्टर को दिखाया वहाँ जिसने मुझे लगाया इसके लिए मैंने ऑपरेशन भी कराया और उस डॉक्टर ने मुझे 80% दवाई लगी. इनफैक्ट द डॉक्टर वाज शॉक कि आपको इतना आग कैसा लगा किसी को समझ में नहीं आई बात. यू कैन से इसका डायरेक्टर बिकॉज किसी को नहीं समझ में आ रही है बात किसी डॉक्टर एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आ रही है समझ में आ रही है बोला इसका ऑपरेशन होगा इसका कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन मैंने नहीं और आज आपके सामने हूँ मैं कुछ आप खाने के लिए बुलाने के लिए कुछ भी प्लस वो मानव भक्ति करने का प्रोसीजर बताया तो मुझे ये जानना है कि आपके जो एक्सीडेंट होने से पहले आप ऑलरेडी उनके हक थे. हाँ पहले मैं था मगर आपने वो ड्रिंक किया था तो तभी आपने एक रूल ब्रेक किया जिसके लिए आपका ये हुआ. जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरा ये सवाल है कोई भी अगर उनके पास जाना चाहते हैं या यहाँ पे है वो कहाँ जाता है. हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेगा और हमारी लाइफ बेटर होती रहेगी जैसा हम चाहते हैं है ना. यस जैसे कि हर एक इंसान की इच्छा होती है कि हम बस अच्छा पता ऐसा या एक हमने कुछ बात करें कोई व्यक्ति से बात करें. हाँ मेरा ये सवाल है तो उसकी इच्छा है कि ना मैं कभी बीमार नहीं पड़ूं मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो मेरा नेम फेम हो और मेरे को कुछ करना नहीं पड़े मैं खाऊं पीऊं घूमूं मतलब एंजॉय करूं लाइफ को. बिकॉज जो ह्यूमन लाइफ है ना वो सिर्फ वंस एक बार मिलती है बाकी सब में तो देखो यार अंदर क्या होती है आत्मा होती है अंदर बाहर बहुत सारे जीव भी घूम रहे लाइक एक डॉग है एक काव है उसमें एक आत्मा ही है. हमारी आत्मा क्या होता है कि से नीचे छोड़ के दूसरे में ट्रांस में लगते हैं अपन कर्म जो हमने कर्म करे हैं. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि मोक्ष से बोलते हैं ये जन्म मरण की जो साइकिल है बर्थ और डेथ है इस साइकिल से छुटकारा पा लेट टू नो दिस बुक. Okay, I have to read that. But तो मुझे वो पढ़ना पड़ेगा to know that. But in case I want to tell my fans, my well wishers,
कि उनको अगर ये चाहिए और उनको अगर ये लग रहा है कि दिस इज द राइट पाथ, क्योंकि कुछ लोग अपने अपने गुरु के साथ रहे हैं और कुछ लोग ओपन है फिलहाल जो ऐसे कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो एक गुरु चाहते हैं और उनको मे बी दिस इज द राइट आंसर जी सर रामपाल जी महाराज के पास जाके उनकी लाइफ बेटर हो सकती है. तो उनके लिए मुझे ये जानना है, लेट्स से मैं अपने फ्रेंड को रिकमेंड करूंगी और एंड सर वो ये तो मैं ना आपके तो आई एम टेलिंग माय फ्रेंड की आप वहाँ पर पहुंच जाओ है ना गोली में, तो आप ऑल ओवर इंडिया है ना, ओके इवन ओडिशा में भी होगा, इवन हम
आपको छिपे हुआ एड्रेस कहीं कहीं कैसे मेमोरी कार्ड तो उसको लगा के वो सक्सेस हो तो मुझे उनके बारे में कंसर्न है और वही वो लोग भी ना हमेशा जानना चाहते हैं कि क्या रास्ता है हमारे लिए हमारे ड्रीम फुलफिल होने के लिए वेरी ब्यूटीफुल ओकेजन फॉर देम You're right, happy, huh? Yes.